नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार, फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5 उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। खाने का स्वाद अलग अंदाज, दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए AC विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। भव्य शुभारंभ 21 अक्टूबर को न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, सूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। दरभंगा शहरी सीट से भाजपा नेता और NDA उम्मीदवार संजय सरावगी ने किया नामांकन। दरभंगा शहरी सीट से राजद नेता और महागठबंधन प्रत्याशी अमरनाथ गामी ने दाखिल किया पर्चा। केवटी विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भरा नामांकन का पर्चा। हायाघाट सीट से मुन्ना खान ने दाखिल की उम्मीदवारी। भैंस पर चढ़कर नामांकन करने पहुंचे एक प्रत्याशी, देखने के लिए लोगों की जुटी भीड़। नॉमिनेशन के दौरान अधिकांश नेता और कार्यकर्ताओं ने नहीं लगाया मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ाई धज्जी, SSP ने जांच कर कार्रवाई के दिए निर्देश। निर्वाचन कर्तव्य के लिए मानदेय दर हुई निर्धारित। बिहार विधान परिषद निर्वाचन के मतदाताओं के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत। वाहन चेकिंग में 96,10,100 रुपए का जुर्माना, 95 लोगों पर हुई CCA की कार्रवाई। दिव्यांग जनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु होगा जागरूकता कार्यक्रम। DM ने पैकिंग की जा रही सामग्रियों का किया निरीक्षण, मतदान कराने हेतु पोलिंग पार्टियों को दिए जाएंगे ये सामान। विधान परिषद निर्वाचन के लिए जारी किए गए निर्देश। राहगीरों को सोने की गुल्ली दिखाकर लूटने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को दरभंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाते 7 अपराधी धराए, 2 कट्टा, 1 रिवॉल्वर एवं 6 गोलियां बरामद। PhD की मौखिक की परीक्षा ऑनलाइन कराने के प्रस्ताव को मिथिला विश्वविद्यालय में मिली स्वीकृति। बिहार में कोरोना के 912 नए मरीज, आंकड़ा 2,05,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 11,533। और दरभंगा में मरीजों की संख्या में लगातार कमी, मिले मात्र 2 नए पॉजिटिव केस। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। फॉर्मेट C1 फॉर कैंडिडेट टू पब्लिश इन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन, डिक्लेरेशन अबाउट क्रिमिनल केसेस। As per the judgment dated 25th September 2018 of Honorable Supreme Court in WP Civil Number 536 of 2011, Public Interest Foundation and Others versus Union of India and ANR, name and address of candidate Dr. Madan Mohan Jha, name of political party Indian National Congress, independent candidate should write independent here. Name of election Darbhanga Teachers Constituency, name of constituency Darbhanga Teachers. I, Dr. Madan Mohan Jha, name of candidate
अ कैंडिडेट फॉर द एबव मेंशनड इलेक्शन डिक्लेयर्ड फॉर पब्लिक इन्फॉर्मेशन द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट माई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ए पेंडिंग क्रिमिनल केसेज सीरियल नंबर 1 नेम ऑफ कोर्ट CGM डिवीजन पटना सदर केस नंबर एंड डेटेड GR नंबर 15519/2019 स्टेटस ऑफ केसेस नॉट एप्लीकेबल सेक्शंस ऑफ एक्ट्स कंसर्न एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस 143 147 149 188 341 342 323 332 353 504 506 IPC सीरियल नंबर 2 नेम ऑफ कोर्ट CGM डिवीजन पटना सदर केस नंबर एंड डेटेड GR नंबर 16902/2019 स्टेटस ऑफ केसेस नॉट एप्लीकेबल सेक्शंस ऑफ एक्ट्स कंसर्न एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस 147 149 188 341 342 504 505 IPC सीरियल नंबर 3 नेम ऑफ कोर्ट CGM डिवीजन पटना सदर केस नंबर एंड डेटेड GR नंबर 7498/2020 स्टेटस ऑफ केसेस नॉट एप्लीकेबल सेक्शंस ऑफ एक्ट्स कंसर्न एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस 188 269 270 IPC सीरियल नंबर 4 नेम ऑफ कोर्ट CGM डिवीजन पटना सदर केस नंबर एंड डेटेड GR नंबर 8574/2020 स्टेटस ऑफ केसेस नॉट एप्लीकेबल सेक्शंस ऑफ एक्ट्स कंसर्न एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस 188 269 270 IPC बी डिटेल्स अबाउट केसेस ऑफ कन्विक्शन फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस सीरियल नंबर 1 नेम ऑफ कोर्ट एंड डेट्स ऑफ ऑर्डर नील डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट इम्पोज्ड नील मैक्सिमम पनिशमेंट इम्पोज्ड नील सीरियल नंबर 2 नेम ऑफ कोर्ट एंड डेट्स ऑफ ऑर्डर नील डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट इम्पोज्ड नील मैक्सिमम पनिशमेंट इम्पोज्ड नील सीरियल नंबर 3 नेम ऑफ कोर्ट एंड डेट्स ऑफ ऑर्डर्स नील Description of offences and punishment imposed, nil. Maximum punishment imposed, nil. Serial number 4, name of court and dates of orders, nil. Description of offences and punishment imposed, nil. Maximum punishment imposed, nil. In the case of election to council of state or election to legislative council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency. Format C2 for political party to publish in website, newspaper, television. Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party. As per the judgment dated 25th September 2018 of Honorable Supreme Court in WP Civil Number 536 of 2011, Public Interest Foundation and others versus Union of India and ANR. Name of political party, Indian National Congress. Name of election, Darbhanga Teachers Constituency. Name of state, UT, Bihar. Name of constituency, Darbhanga Teachers. Name of candidate, Dr. Madan Mohan Jha. A. Pending criminal cases. Name of court, case number and status of the cases. CGM Division Patna Sadar GR number 15519/2019 not applicable. Sections of acts concerned and brief description of offences 143, 147, 149, 188, 341, 342, 323, 332, 353, 504, 506 IPC. B. Details about cases of conviction for criminal offences. Name of court and dates punishment imposed not applicable. Description of offences and punishment imposed not applicable. Maximum punishment imposed nil. Name of court, case number and status of the cases. CGM Division Patna Sadar GR number 16902/2019
नॉट एप्लीकेबल सेक्शंस ऑफ एक्ट्स कंसर्न एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस 147, 149, 188, 341, 342, 504, 505 IPC. Name of court and dates punishment imposed not applicable. Description of offences and punishment imposed not applicable. Maximum punishment imposed nil. Name of court, case number and status of the cases. CJM Division Patna Sadar, GR number 7498/2020, not applicable. Sections of acts concerned and brief description of offences 188, 269, 270 IPC. B. Details about cases of conviction for criminal offences. Name of court and dates punishment imposed not applicable. Description of offences and punishment imposed not applicable. Maximum punishment imposed nil. A. Pending criminal cases. Name of court, case number and status of the cases. CJM Division Patna Sadar, GR number 8574/2020, not applicable. Sections of acts concerned and brief description of offences 188, 269, 270 IPC. Details about cases of conviction for criminal offences. Name of court and dates punishment imposed not applicable. Description of offences and punishment imposed not applicable. Maximum punishment imposed nil. In the case of election to council of state or election to legislative council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency. शिक्षक सहित समाज को मिल जाएगी संजीवनी, नेक नियत से चमक रही जयशंकर की जीवनी। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक हित के लिए लगातार आवाज उठाने वाले संवेदनशील प्रत्याशी डॉक्टर जयशंकर झा को प्रथम वरीयता का मत देकर विजयी बनाएं। चिंतन और चरित्र से स्वर्गीय वासुदेव बाबू का एकमात्र विकल्प। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा शहरी सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता और एनडीए उम्मीदवार संजय सरावगी ने सोमवार को किया नामांकन भरा पर्चा। दरभंगा शहरी विधानसभा सीट से भाजपा नेता और एनडीए उम्मीदवार संजय सरावगी ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। लगातार अपने समर्थकों के साथ शहर की सड़कों से गुजरते हुए संजय सरावगी ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। कर्पूरी चौक पर सभा का भी आयोजन किया गया। 7 रेल ओवरब्रिज शहर का स्वीकृत है, लेकिन उसमें काम में हाथ नहीं लगा। वो 7 रेल ओवरब्रिज जो है आने वाले समय में स्वीकृत है, DPR स्टेज में बनेगा। थोड़ा बहुत जल जमाव का समस्या है, उसका भी निदान होगा। बहुत सारे नाले का निर्माण हुआ, सड़क का निर्माण हुआ, एम्स स्वीकृत हो गया, हवाई अड्डा 8 तारीख से चालू हो गया। इसलिए जो 15 साल जो लालू यादव के शासन में जो विनाश था, और हम लोग का जो विकास है, विकास विकास और विकास, चल विकास के मुद्दे को लेकर जनता का फिर से आशीर्वाद मुझे मिले, क्योंकि 15 सालों में बहुत मैंने काम किया है दरभंगा शहर के विकास के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, और आम लोगों को से भी संपर्क में हम लोग रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। दरभंगा शहरी सीट से राजद नेता और महागठबंधन प्रत्याशी अमरनाथ गामी ने दाखिल किया नामांकन। दरभंगा शहरी सीट से RJD नेता और महागठबंधन उम्मीदवार अमरनाथ गामी ने भरा नामांकन का पर्चा। अपने समर्थकों के साथ शहर की सड़कों से होते हुए लहेरियासराय पहुंचकर नामजदगी का पर्चा दाखिल किया अमरनाथ गामी ने। इससे पूर्व मारवाड़ी हाई स्कूल मैदान में सभा का भी हुआ आयोजन। मैं राष्ट्रीय जनता दल वीडियो बना लिया प्रत्याशी के रूप में दरभंगा शहरी 83 विधानसभा से नामिनेशन किया, और निश्चित रूप से जो अभी का समय है उस हिसाब से हम तो अकेले चले थे। कोरोना का समय है, 10-15 गाड़ी साथ में आना था, लेकिन जिस हिसाब से दरभंगा के धरती पर जन सैलाब उमड़ा, वो परिवर्तन का संकेत दे रहा है। दरभंगा में परिवर्तन होगा ही, बिहार में भी परिवर्तन निश्चित है। जिस तेज रफ्तार से दरभंगा का जनता मेरे साथ खड़ा है, उसी तेज रफ्तार से बिहार में तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। अगला बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। केवटी विधानसभा सीट से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भरा पर्चा।
केवटी विधानसभा सीट से महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भरा नामांकन का पर्चा। नॉमिनेशन किया, मतलब भारत के नागरिक हैं और हमें अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो उसके तहत जो है पार्टी ने हमें निर्देशित किया, सिंबल दिया 86 केवटी विधानसभा का, तो अपने दायित्व का निर्वहन किया, हमने पार्टी के निर्देश का भी पालन किया और जो हमारा अधिकार है उसका उपयोग किया। हमने ऐसा है कि ये मतलब अभी तो हम जा रहे, जनता मालिक है, जनता मौका देगी तो अली नगर से भी बेहतर केवटी को बनती। हायाघाट सीट से मुन्ना खान ने दाखिल की उम्मीदवारी। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान ने भरा नामजदगी का पर्चा। बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन का पर्चा भरने पहुंचे मुन्ना खान। भैंस पर चढ़कर नामांकन करने पहुंचे एक प्रत्याशी, देखने के लिए लोगों की लगी भीड़। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की होड़ सी मची है। चुनाव के वक्त अलग अलग ढंग की कई ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जो चौंकाने वाली होती हैं। अनोखे तरह से दरभंगा में नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी, भैंस पर सवार होकर पहुंचे कैंडिडेट। दरभंगा के 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नचारी मंडल ने नामजदगी का पर्चा भरा। वे अनोखे अंदाज में भैंस पर सवार होकर पहुंचे अपना नामांकन दाखिल करने। भैंस पर सवार इस प्रत्याशी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। 85 विधानसभा क्षेत्र बहादुरपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने नचारी मंडल भैंस की सवारी कर समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने अपना पर्चा भरा। नामांकन के उपरांत उन्होंने कहा कि वे गरीब गुरबा के बेटे होने के नाते इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। अभी तक सभी जनप्रतिनिधियों ने लूटने का ही काम किया है, वे जनता की सेवा करेंगे। हमारे एक ही गरीब दलित महादलित किसान मजदूर का बेटा बहादुरपुर 85 विधानसभा से आए हैं और हमारे गरीब अधिकार दलित के बेटा और सारे हमारे नौजवानों बुजुर्ग वृद्ध हमको बोले हैं कि बेटा सबको पास तो गाड़ी बंग घोड़ा है, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, एक तुम्हारा भैंस है, इस भैंस पर लाके अपनी विधानसभा की क्या कहते हैं नॉमिनेशन जाके करो और अपना नॉमिनेशन फाइल करो। नॉमिनेशन के दौरान अधिकांश नेता और कार्यकर्ताओं ने नहीं लगाया मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ाई धज्जी। एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई के दिए निर्देश। नामांकन के दौरान अधिकांश नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मास्क तो लगाया ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग को भी ताक पर रखा, लेकिन अब इस लापरवाही की गाज कुछ अफसरों पर गिर सकती है। विधानसभा चुनाव के नॉमिनेशन में समाहरणालय दरभंगा एवं विकास भवन में उम्मीदवारों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों का घोर उल्लंघन किया गया। इस दौरान धारा 144 लागू थी। नॉमिनेशन के दौरान सामाजिक दूरी, नॉमिनेशन के दौरान मास्क लगाना, इन नियमों का कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उल्लंघन किया। इसे लेकर एसएसपी बाबूराम ने सदर एसडीपीओ अनुज कुमार को निर्देश दिया है कि जिन पुलिस पदाधिकारियों एवं उपस्थित मजिस्ट्रेट के द्वारा मास्क नहीं लगाने को लेकर कार्रवाई नहीं की गई है उनके विरुद्ध रिपोर्ट समर्पित करने को कहा है। नॉमिनेशन के दौरान कुछ पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी अपनी ड्यूटी से भी लापता पाए गए, उनके विरुद्ध रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को समर्पित किया जाएगा। निर्वाचन कर्तव्य के लिए मानदेय दर हुई निर्धारित। निर्वाचन कर्तव्य के लिए मानदेय दर हुआ निर्धारित। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए मतदान एवं मतगणना ड्यूटी हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का मानदेय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम ने बताया कि निर्धारित मानदेय के अनुसार पीठासीन पदाधिकारी को 3 दिन के प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये प्रतिदिन की दर से 1500 रुपये तथा मतदान कर्तव्य के 3 दिन के लिए 500 रुपये प्रतिदिन की दर से 1500 रुपये एवं सिर्फ मतदान तिथि को भोजन और
और नाश्ते के लिए 250 रुपये यानी कुल 3,250 रुपये मिलेंगे। दूसरी बार पुनः उसी पीठासीन पदाधिकारी को तृतीय चरण के मतदान के लिए ड्यूटी लगने पर एक दिन के प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये, मतदान कर्तव्य के 3 दिन के लिए 1,500 रुपये तथा मतदान तिथि को भोजन व नाश्ता इत्यादि के लिए 250 रुपये यानी 2,250 रुपये दिए जाएंगे। चूँकि दूसरी बार सिर्फ एक ही दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसलिए दूसरी बार प्रशिक्षण के लिए उन्हें सिर्फ 500 रुपये दे होगा, लेकिन तृतीय चरण के लिए यदि पहली बार किसी पीठासीन पदाधिकारी को लगाया जाता है तो उन्हें 3,250 रुपये मिलेंगे। बिहार विधान परिषद निर्वाचन के मतदाताओं के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत। बिहार विधान परिषद निर्वाचन के मतदाताओं के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत। बिहार विधान परिषद के दरभंगा सहित सभी स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव 2020 के मतदान की तिथि 22 अक्टूबर को मतदान करने हेतु 5 दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। सरकार के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी ने इस आशय का पत्र जारी करते हुए कहा है कि यह विशेष आकस्मिक अवकाश मात्र संबंधित स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए ही मान्य रहेगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वियर, सूट, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल साड़ी, अग्रवाल ड्रेसेस, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ मान्यवर, ब्लैकबेरी एंड यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ नाका 5 के निकट उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSC KVPY ओलंपियाड, के सर द्वारा संचालित। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल, जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। अब ऑनलाइन सेल आपके शहर दरभंगा में अतुल मोबाइल मॉल टावर चौक पर। ऑनलाइन कीमत पर ही लीजिए रेडमी MI के फोन। दरभंगा का एकमात्र शोरूम जहां सभी कंपनियों के स्मार्टफोन, टैबलेट, मोबाइल फोन एक्सेसरीज कंपनी के ऑनलाइन रेट पर उपलब्ध। सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, रेडमी, रियलमी, नार्जो, ओप्पो और वीवो के ऑथराइज डीलर अतुल मोबाइल मॉल टावर चौक दरभंगा। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1,500 square feet का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हेयर इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 एकर्स एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर CBSE नॉर्म्स, नो रीएडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा शहरी सीट से भाजपा नेता और NDA उम्मीदवार संजय सरावगी ने किया नामांकन। दरभंगा शहरी सीट से राजद नेता और महागठबंधन प्रत्याशी अमरनाथ गामी ने दाखिल किया पर्चा। केवटी विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भरा नामांकन का पर्चा। हायाघाट सीट से मुन्ना खान ने दाखिल की उम्मीदवारी। भैंस पर चढ़कर नामांकन करने पहुंचे एक प्रत्याशी, देखने के लिए लोगों की जुटी भीड़।
नॉमिनेशन के दौरान अधिकांश नेता और कार्यकर्ताओं ने नहीं लगाया मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ाई धज्जी। एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई के दिए निर्देश। निर्वाचन कर्तव्य के लिए मानदेय दर हुई निर्धारित। बिहार विधान परिषद निर्वाचन के मतदाताओं के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत। वाहन चेकिंग में 96,10,100 रुपये का जुर्माना, 95 लोगों पर हुई सीसीए की कार्रवाई। दिव्यांग जनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु होगा जागरूकता कार्यक्रम। डीएम ने पैकिंग की जा रही सामग्रियों का किया निरीक्षण। मतदान कराने हेतु पोलिंग पार्टियों को दिए जाएंगे ये सामान। विधान परिषद निर्वाचन के लिए जारी किए गए निर्देश। राहगीरों को सोने की गुल्ली दिखाकर लूटने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को दरभंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाते 7 अपराधी धराए, 2 कट्टा 1 रिवाल्वर एवं 6 गोलियां बरामद। पीएचडी की मौखिकी परीक्षा ऑनलाइन कराने के प्रस्ताव को मिथिला विश्वविद्यालय में मिली स्वीकृति। बिहार में कोरोना के 912 नए मरीज, आंकड़ा 2,05,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 11,533। और दरभंगा में मरीजों की संख्या में लगातार कमी, मिले मात्र 2 नए पॉजिटिव केस। वाहन चेकिंग में 96,10,100 रुपये का हुआ जुर्माना, 95 लोगों पर हुई सीसीए की कार्रवाई। वाहन चेकिंग में 96,10,100 रुपये का हुआ जुर्माना, 95 लोगों पर हुई सीसीए की कार्रवाई। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। FST एवं SST द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दबिश बनाई जा रही है। इनके द्वारा वाहनों की सघनता से जांच कर गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 96,10,100 रुपये जुर्माने की वसूली की गई है। पुलिस के द्वारा 18,364 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति के 169 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किए गए हैं। वहीं 95 लोगों के विरुद्ध CCA के तहत कार्रवाई की गई है, जिन्हें अपने थाने क्षेत्र से इतर के थाने में रोज हाजिरी लगानी होगी या अन्य थाना क्षेत्र में रहना होगा। कुल 10,129 व्यक्तियों से बंद पत्र भरवाया गया है। दिव्यांग जनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु होगा जागरूकता कार्यक्रम। दिव्यांग जनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु होगा जागरूकता कार्यक्रम। स्टेट दिव्यांग आइकॉन अभ्युदय शरण करेंगे शिरकत। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के अवसर पर दिव्यांग जनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु राज्य दिव्यांग आइकॉन अभ्युदय शरण की उपस्थिति में 27 अक्टूबर को 10 बजे पूर्वाहन से 12 बजे अपराहन तक प्रखंड मुख्यालय बिरौल एवं 2 बजे अपराहन से 4 बजे अपराहन तक कर्पूरी स्टेडियम बेनीपुर में दिव्यांग मतदाता जागरूकता तथा EVM VVPAT का प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान, स्वास्थ्य जाँच, PWD ऐप के माध्यम से मतदाता पंजीकरण एवं पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। डीएम ने पैकिंग किए जा रहे सामग्रियों का किया निरीक्षण। मतदान कराने हेतु पोलिंग पार्टियों को दी जाएगी सामग्री। डीएम ने पैकिंग किए जा रहे सामग्रियों का किया निरीक्षण। मतदान कराने हेतु पोलिंग पार्टी को दी जाएगी सामग्री। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन तथा बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2020 के अंतर्गत 5 दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए पोलिंग पार्टी मतदान कर्मियों को दी जाने वाली सामग्रियों की पैकिंग दरभंगा क्लब में की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने प्रेस क्लब का भ्रमण कर पोलिंग पार्टी को देने हेतु पैकिंग किए जा रहे सामग्रियों का गहन निरीक्षण किया तथा मतदाताओं को दिए जाने वाले ग्लव्स को पहनकर स्वयं देखा एवं सैनिटाइजर, ईयरबड, PPE किट्स एवं अन्य सामग्रियों का एक एक कर अवलोकन किया। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को कहा कि पैकिंग ठीक से की जाए और किसी भी पैकेट में कोई सामान न छूटे, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। इस अवसर पर सामग्री कोषांग के नोडल पदाधिकारी भी मौजूद थे। विधान परिषद निर्वाचन के लिए जारी किए गए निर्देश। विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिए गए निर्देश। मतपत्र पर सही तरीके से मतदान के लिए भी निर्देश जारी। मतदान हेतु वरीयता क्रम संख्या अंक में मान्य होगा, शब्द में लिखे वरीयता क्रम अमान्य होंगे।
बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक एवं 5 दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 में मतदान की तिथि 22 अक्टूबर निर्धारित है। उक्त निर्वाचन में निर्वाचकों द्वारा मत अंकित करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली का निम्नलिखित निर्देश है। मतदान की पद्धति, मतदान के लिए निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति किए गए बैंगनी स्केच पेन का प्रयोग किया जाएगा जो निर्वाचकों को मतपत्र के साथ दिया जाएगा। मतपत्र पर अन्य कलम, पेंसिल, बॉल पेन या चिन्ह लगाने वाले किसी उपकरण का प्रयोग करने से मतपत्र अवैध हो जाएगा। निर्वाचकों द्वारा जिस अभ्यर्थी का चयन अपनी प्रथम पसंद के रूप में करते हैं उनके नाम के समक्ष वरीयता क्रम के स्तंभ में अंक 1 लिखकर मतदान करें या अंक 1 सिर्फ एक अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित करें। जितने अभ्यर्थी हैं निर्वाचकों के लिए उतनी वरीयता क्रम उपलब्ध है। उदाहरण स्वरूप यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5 है तो निर्वाचक अपनी पसंद के अनुसार 1 से 5 तक संख्या अंकित कर सकते हैं। अन्य अभ्यर्थियों के नाम के सामने वरीयता क्रम के स्तंभ में निर्वाचक अपनी पसंद के अभ्यर्थी के स्तंभ में 2, 3, 4 अंकित कर अपना मत डाल सकते हैं। निर्वाचक भलीभांति आश्वस्त हो लें कि जिस अभ्यर्थी को जो वरीयता क्रम दिया गया है वह वरीयता क्रम दूसरे अन्य अभ्यर्थी को तो नहीं दिया गया है। वरीयता क्रम अंक में दिया जाना चाहिए यानी 1, 2, 3। वरीयता क्रम शब्दों में अंकित नहीं किया जाए यानी 1, 2, 3 शब्द के रूप में। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप में यथा 1, 2, 3 या रोगन लिपि या देवनागरी लिपि में या संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में ही वरीयता क्रम अंकित किया जाएगा। राहगीरों को सोने की गुल्ली दिखाकर लूटने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को दरभंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार। राहगीरों को सोने की गुल्ली दिखाकर लूटने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को दरभंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार। लुटेरे गिरोह के सदस्य सड़क पर सोने की गुल्ली रख देते थे और सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को रोककर बोलते थे कि आपकी सोने की गुल्ली गिर गई है। राहगीर के द्वारा सोने की गुल्ली होने से इनकार करने पर इसका प्रलोभन देकर राहगीर से रुपया ठगते थे। यदि राहगीर रुपया देने और सोना लेने से इनकार करता था तो गिरोह के अन्य सदस्य के साथ मिलकर उसके साथ लूटपाट कर लेते थे। SSP बाबूराम ने पत्रकारों को बताया कि सूचना मिली थी कि दरभंगा जिले में सोना दिखाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 सदस्य बेता ओपी क्षेत्र के बेता चौक स्थित दुर्गा निवास रेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। पुलिस ने दुर्गा निवास रेस्ट हाउस में छापामारी कर गिरोह के 5 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। SSP ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी रेस्ट हाउस में ठहरने के दौरान ID प्रूफ नहीं देते थे। रेस्ट हाउस के मालिक दुर्गा पंजियार के पुत्र सूरज पंजियार को भी गिरफ्तार किया गया है। SSP ने बताया कि रेस्ट हाउस को सील कर दिया गया है, वहीं उसके लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए विभाग को लिखा जाएगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फिर लौटेंगे। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट V2 मॉल मिर्जापुर दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। महासेठ टेक्सटाइल्स बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडी सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा शहरी सीट से भाजपा नेता और NDA उम्मीदवार संजय सरावगी ने किया नामांकन। दरभंगा शहरी सीट से राजद नेता और महागठबंधन प्रत्याशी अमरनाथ गामी ने दाखिल किया पर्चा। केवटी विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भरा नामांकन का पर्चा। हायाघाट सीट से मुन्ना खान ने दाखिल की उम्मीदवारी। भैंस पर चढ़कर नामांकन करने पहुंचे एक प्रत्याशी, देखने के लिए लोगों की जुटी भीड़। नॉमिनेशन के दौरान अधिकांश नेता और कार्यकर्ताओं ने नहीं लगाया मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ाई धज्जी। SSP ने जांच कर कार्रवाई के दिए निर्देश। निर्वाचन कर्तव्य के लिए मानदेय दर हुई निर्धारित। बिहार विधान परिषद निर्वाचन के मतदाताओं के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत। वाहन चेकिंग में 96,10,100 रुपए का जुर्माना, 95 लोगों पर हुई CCA की कार्रवाई। दिव्यांग जनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु होगा जागरूकता कार्यक्रम।
डीएम ने पैकिंग की जा रही सामग्रियों का किया निरीक्षण। मतदान कराने हेतु पोलिंग पार्टियों को दिए जाएंगे ये सामान। विधान परिषद निर्वाचन के लिए जारी किए गए निर्देश। राहगीरों को सोने की गुल्ली दिखाकर लूटने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को दरभंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाते 7 अपराधी धराए। 2 कट्टा, 1 रिवॉल्वर एवं 6 गोलियां बरामद। पीएचडी की मौखिकी परीक्षा ऑनलाइन कराने के प्रस्ताव को मिथिला विश्वविद्यालय में मिली स्वीकृति। बिहार में कोरोना के 912 नए मरीज, आंकड़ा 2,05,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 11,533। और दरभंगा में मरीजों की संख्या में लगातार कमी, मिले मात्र 2 नए पॉजिटिव केस। लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाते 7 अपराधी धराए। 2 कट्टा, 1 रिवॉल्वर और 6 गोलियां बरामद। लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बनाते 7 अपराधी को दरभंगा पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 1 रिवॉल्वर सहित 6 गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के सनहपुर बिदौली चौर में कई अपराधी इकट्ठा होकर बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे हैं। SSP बाबूराम ने बताया कि पकड़े गए आरोपी हत्या एवं बड़े पैमाने पर शराब कारोबारी हैं। नाटकीय ढंग से चौर में पुलिस बल के पहुँचते ही सभी अपराधी भागने लगे। SSP ने बताया कि 14 अगस्त 2020 की रात शराब डिलीवरी के लिए 1,80,000 लेकर सोनू मंडल को बुलाया था, जहां सभी अपराधियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। लाश को गड्ढे में फेंककर फरार हो गए थे। हत्या के दौरान गुलशन कुमार ठाकुर, बालकृष्ण भारद्वाज उर्फ बालाजी, गुलशन कुमार ठाकुर, माधव कुमार उर्फ छोटू, विकास रंजन पांडे उर्फ गोलू पांडे उपस्थित थे। SSP ने बताया कि इस गिरोह का मुख्य सरगना बालकृष्ण ठाकुर है। PhD की मौखिकी परीक्षा ऑनलाइन कराने के प्रस्ताव को मिथिला विश्वविद्यालय में मिली स्वीकृति। PhD की मौखिकी परीक्षा ऑनलाइन कराने के प्रस्ताव को मिथिला विश्वविद्यालय ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। COVID-19 के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर जो परीक्षक मौखिकी की परीक्षा में उपस्थित नहीं होना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन मौखिकी परीक्षा आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष को ऑनलाइन PhD मौखिकी परीक्षा आयोजन करने हेतु अधिकृत किया गया। निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष एवं अन्य शिक्षकों की उपस्थिति में बाह्य परीक्षक द्वारा लिए गए ऑनलाइन मौखिकी परीक्षा को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी तथा उपस्थिति का प्रिंट आउट निकालकर फाइल में रिकॉर्ड के लिए संधारण किया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरांत ऑफलाइन मौखिकी की तरह ही उपस्थित परीक्षक, विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष द्वारा तैयार प्रतिवेदन ऑनलाइन उपस्थित परीक्षक को ईमेल से भेजा जाएगा और परीक्षक उस पर हस्ताक्षर कर पुनः ईमेल के द्वारा विश्वविद्यालय को भेज देंगे। ऐसे परीक्षकों की नियुक्ति के साथ ही उनके बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड मांग लिया जाएगा, जिससे उनकी पारिश्रमिक उनके खाते में मौखिकी के बाद भेज दी जाएगी। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए तथा आवश्यकता को देखते हुए तत्काल परीक्षा परिषद के निर्णय को विद्वत परिषद एवं अन्य निकायों से स्वीकृति की प्रत्याशा में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। बिहार में कोरोना के 912 नए मरीज, आंकड़ा 2,05,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 11,533। बिहार में कोरोना के 912 नए मरीज, आंकड़ा 2,05,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 11,533। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में सबसे अधिक पटना में 254, अररिया में 19, अरवल में 9, औरंगाबाद में 38, बांका में 2, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 24, भोजपुर में 12, बक्सर में 6, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 24, गया में 16, गोपालगंज में 19, जमुई में 9, जहानाबाद में 34, कैमूर में 11, कटिहार में 15, किशनगंज में 34, लखीसराय में 26, मधेपुरा में 36, मधुबनी में 11, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 48, नालंदा में 18, नवादा में 18, पूर्णिया में 41, रोहतास में 17, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 13, सारण में 14, शेखपुरा में 11, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 4, सीवान में 9, सुपौल में 19, वैशाली में 9 और पश्चिम चंपारण में 24 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में मरीजों की संख्या में लगातार कमी, मिले मात्र 2 नए पॉजिटिव केस।
दरभंगा में लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या के बीच अच्छी खबर, मिले केवल 2 नए मरीज, हालांकि आंकड़ा इससे भी बढ़ा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दरभंगा में 2 नए पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी दी गई है और लंबे समय से मरीजों के मिलने की संख्या में दरभंगा में कमी आ रही है। ये थे अब तक के समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा शहरी सीट से भाजपा नेता और एनडीए उम्मीदवार संजय सरावगी ने किया नामांकन। दरभंगा शहरी सीट से राजद नेता और महागठबंधन प्रत्याशी अमरनाथ गामी ने दाखिल किया पर्चा। केवटी विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भरा नामांकन का पर्चा। हायाघाट सीट से मुन्ना खान ने दाखिल की उम्मीदवारी। भैंस पर चढ़कर नामांकन करने पहुंचे एक प्रत्याशी, देखने के लिए लोगों की जुटी भीड़। नॉमिनेशन के दौरान अधिकांश नेता और कार्यकर्ताओं ने नहीं लगाया मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ाई धज्जी, एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई के दिए निर्देश। निर्वाचन कर्तव्य के लिए मानदेय दर हुई निर्धारित। बिहार विधान परिषद निर्वाचन के मतदाताओं के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत। वाहन चेकिंग में 96,10,100 रुपए का जुर्माना, 95 लोगों पर हुई सीसीए की कार्रवाई। दिव्यांग जनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु होगा जागरूकता कार्यक्रम। डीएम ने पैकिंग की जा रही सामग्रियों का किया निरीक्षण, मतदान कराने हेतु पोलिंग पार्टियों को दिए जाएंगे ये सामान। विधान परिषद निर्वाचन के लिए जारी किए गए निर्देश। राहगीरों को सोने की गुल्ली दिखाकर लूटने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को दरभंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाते 7 अपराधी धराए, 2 कट्टा, 1 रिवॉल्वर एवं 6 गोलियां बरामद। पीएचडी की मौखिक परीक्षा ऑनलाइन कराने के प्रस्ताव को मिथिला विश्वविद्यालय में मिली स्वीकृति। बिहार में कोरोना के 912 नए मरीज, आंकड़ा 2,05,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 11,533। और दरभंगा में मरीजों की संख्या में लगातार कमी, मिले मात्र 2 नए पॉजिटिव केस। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 289 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।